नमस्ते टू एवरी वन एंड वेलकम। तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 8 थिंग्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। और इसको करने से आपके हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाएंगे, आपके हेयर हेल्थ अच्छे हो जाएंगे, और ओवरऑल आपके हेल्थ भी अच्छे हो जाएंगे। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं यहाँ पर हेयर केयर रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नेचुरल थिंग्स मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मुझसे रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक रेगुलर वीडियोस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको अपने हेयर को मसाज करना है। और अभी मैंने ऑयल अप्लाई करके रखा है और मैं बहुत सारे ऑयलिंग वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप ये ऑयल अप्लाई करो और इसको मसाज करो। तो मेरा पॉइंट यही है कि आपको अपने हेड को मसाज करना है। हेड मसाज इज़ जस्ट फॉर फ्री। और अगर आप ऑयल भी अप्लाई नहीं करते हो तो मैंने आपको बताया कि आप ड्राई हेयर में भी हेड को मसाज कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप वीक में 7 दिन अपने हेयर को मसाज कर सकते हो। मसाज कैसे करना है? सिंपली आपको अपने फिंगर से अपने हेड को मसाज करना है। इस तरह से आप डेली रात को सोने से पहले अगर आप मसाज करते हो तो आप रिलैक्स होकर के भी सोते हो और आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट इज़ ट्रिम हेयर। जब भी हमारे हेयर थोड़े लंबे हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ यू नो रफनेस, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ रफनेस या फिर फ्रिक्शन की वजह से हमारे एंड्स होते हैं वो थोड़े रफ हो जाते हैं ज़्यादा कंपेयर टू आवर होल हेयर, बिकॉज हम हेयर पे ब्रेड्स भी बनाते हैं तो एंड हम छोड़ देते हैं तो वो एंड हमारे थोड़े ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। फुल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता इसलिए भी रफ़ हो जाते हैं, स्प्लिटेंस हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें हर 2 महीने पे अपने हेयर को ट्रिम करना चाहिए। और ट्रिम बस इतना, लेस देन 1 सेंटीमीटर, बस आपको इतना ही ट्रिम करना है। और उसी से आप देखोगे कि एक तो बहुत जल्दी जितने आप हेयर ट्रिम करोगे वो वापस ग्रो हो जाएंगे, प्लस आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा स्प्लिटेंस भी नहीं होंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा रफ एंड्स है तो एक बार तो आपको कट कराना पड़ेगा, उसके बाद से अगर आप जब ट्रिमिंग स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपके रफ एंड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहेगी। थर्ड पॉइंट इज़ करी लीव। जितने बाहर से हम एक्सटर्नल अप्लाई करते उसके बेनिफिट्स होते हैं, उससे ज़्यादा अंदर से हम लोग जब कुछ इंटेक करेंगे तो हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप बायोटिन टैब्स ले सकते हो, मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, बट ये फ्री का मैं बता रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ करी लीव्स। आपको हर सुबह जब उठना है तो 2-3 करी पत्ता का खाना है। आप नॉर्मली मार्केट में जा कर के करी पत्ता ले सकते हो और आराम से वो आपका बहुत टाइम तक चल जाएगा, बिकॉज 2-3 करी पत्ता ही खाना है। और अगर आपके घर में प्लांट है तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मेरे पास एक छोटा सा प्लांट है करी पत्ता का, और कुछ दिन में आपको अपने हेयर पर बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ नरिशमेंट मुझे मिल रही है। फोर्थ पॉइंट इज़ बालायाम। बालायाम ये योगा है जो कि बहुत ही फेमस है बिकॉज ऑफ रामदेव बाबा। एंड इसमें आपको बस अपने फिंगर्स को, जब भी आप फ्री हो, आपको अपने फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को इस तरह से रब करना है। एंड आपको हर रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट, जब आप फ्री रहते हो ऑफकोर्स, जब आप ट्रैवल कर रहे हो बट ड्राइव नहीं कर रहे हो या फिर आप यूं ही बैठे हो, तो बस इस तरह से आपको करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड योगा फॉर योर हेयर। फिफ्थ पॉइंट इज़ एक्यूप्रेशर पॉइंट। मैंने ऑलरेडी कुछ सेकंड का एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था जिसपे मैंने हेड के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए थे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ। और एक्यूप्रेशर तो एक कंप्लीट साइंस है, तो हम हेड का एक्यूप्रेशर खुद से भी प्रेस करके ऑफकोर्स हम हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। एंड एक्यूप्रेशर इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं जो एक एक्यूप्रेशर जो हमेशा फॉलो करती हूँ विच इज़ दिस, और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखाया है। तो टॉप ऑफ द हेड में हम अपने 4 फिंगर्स को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा टॉप ऑफ द हेड है दिस इज़ 1 एक्यूप्रेशर, और इसको मैं बहुत अच्छे से प्रेस करती हूँ लाइक दैट। नाउ द 6th पॉइंट इज़ इन्वर्जन मेथड। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हेड को वॉश करती हूँ इन्वर्जन मेथड से, नॉट सिंपली ऐसे वॉश कर लिया हेयर को, इन्वर्जन करके, बिकॉज जब हम उल्टा करेंगे तो हमारा ब्लड है वो हेड के पास ज़्यादा आएगा, तो इससे हेड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने हेड पे लाना है ब्लड को, तो आप शीर्षासन भी कर सकते हो, जो मैंने इन्वर्जन मेथड बताया वो भी कर सकते हो, या फिर आप इन्वर्ट करके अपने हेयर को मसाज भी दे सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। या फिर आप सिंपली बेड पे लाई करके और अपना हेड को है वो बेड से ऐसे निकाल के ऐसे लेट सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इन्वर्जन मेथड। तो ये आप हर रोज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, यू कैन डू दैट एज वेल। सो दैट वॉज द 6th पॉइंट। बट मैं एक और पॉइंट आपको बताऊँ
बताऊंगी, विच इज़ जस्ट अमेजिंग. और मुझे सचमुच इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, स्पेशली मैं इसको विंटर्स में करती हूँ एंड विंटर्स आ चुके हैं. मैं फुट मसाज करती हूँ विथ मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल होता है एक हॉट ऑयल होता है और ये हम बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. फीट आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ, बट आप ये फीट समझ लो. तो हम इसको बहुत अच्छे से मसाज करेंगे. मैंने अपने लास्ट विंटर के वीडियो में भी दिखाया था आपको फीट को मसाज करके, तो उस तरह से आपको फीट मसाज करना है कि आपके लेग्स भी क्लीन रहेंगे. विंटर्स में आपके बहुत लेग्स फट जाते हैं, तो लेग्स भी स्मूथ रहेंगे और लेग हमारा बॉडी डिटॉक्स भी करता है, लेग हमारे पूरे बॉडी पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है द होल नाइट. तो मैं रात को सोने से पहले अपने लेग को अच्छे से क्लीन कर, अपने फीट को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ एंड देन आई रब ऑयल ऑन दैट बहुत अच्छे से. आई वेयर सॉक्स बिकॉज विंटर में हम सॉक्स पहनते हैं, अदरवाइज ठंडी लग जाएगी, तो इस वजह से हम सॉक्स पहनते हैं. हमारी लेग भी नरिश रहती है और उसके बेनिफिट्स आपके हेयर पर मिलेंगे. और कुछ ही दिन में आप देखोगे, आई हैव सीन, कुछ ही दिन में आपका जो भी हेयर फॉल था वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाता है. और ये फ्री का प्रोसेस है, तो आप इसको एक बार ज़रूर करके देखना. आपके घर में ऑयल होगा ही होगा, आई नो इट, एंड दैट्स ऑल. योर लेग इज नरिश्ड, योर फीट इज़ नरिश्ड, योर फीट इज़ नरिश्ड, योर बॉडी इज डिटॉक्स्ड एंड योर हेयर बिकम्स हेल्दी. एंड कुछ ही दिन में, बिलीव मी, कुछ ही दिन में आपके हेयर फॉल बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस होने लगते हैं. एंड हाँ, पूरे 100% रिड्यूस नहीं करता बिकॉज ऑफ कोर्स ये बेनिफिट करता है, बट जो हेयर फॉल होना है बिकॉज ऑफ टैंगल्स, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, जिस हेयर का अब एज ही हो चुका है उसको गिरना ही है, तो फिर उसको कौन रोक सकता है. तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. कोई भी कॉमेंट्स है, किसी भी तरह का सजेशन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. आई विल रिप्लाई ऑन इट और मेक वीडियो ऑन इट. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब करके जाना. टिल देन, बाय.